हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई डू होप दैट यू पीपल आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। आई प्रोफेसर मोहम्मद नुमान फैसल वेलकम यू पीपल विद येट अनदर टॉपिक ऑन इंग्लिश ग्रामर। एंड टुडेज आवर टॉपिक इज पंक्चुएशन। एंड आई डू होप दैट यू वुड हैव अ लॉट ऑफ फन हियर एंड यू वुड लर्न एंड एंजॉय। सो लेट अस स्टार्ट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम लर्न करेंगे आर्ट ऑफ पंक्चुएशन फॉर इम्प्रूव्ड राइटिंग स्किल्स, कि हम अपनी राइटिंग स्किल्स को पंक्चुएशन के आर्ट से कैसे बेहतर बना सकते हैं। देन हम सीखेंगे मास्टरिंग पंक्चुएशन टेक्निक्स फॉर करेक्शन, कि स्पेशली जब हम सेंटेंस करेक्शन करते हैं, जैसे एंट्रेंस टेस्ट में आता है और FSC वगैरह में और A-levels वगैरह में सेंटेंस करेक्शन आती है और मुख्तलिफ किस्म के एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं उनमें आती है, तो उसके लिए आपको पंक्चुएशन की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेंगी। एंड और सबसे बढ़कर जो अभी मैंने बात की, एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन जो है वो खास तौर पर आपको अहम रहेगी। तो इसके हम टॉपिक को तीन एंगल से देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू पंक्चुएशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स को देखेंगे, एंड यस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी हम यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे। तो इंट्रोडक्शन टू पंक्चुएशन, पंक्चुएशन क्या होती है जी? पंक्चुएशन जो बेसिकली है ड्राइव किया गया लैटिन वर्ड पंक्टम से, और पंक्टम का मीनिंग होता है लैटिन में पॉइंट। और पंक्चुएशन का फिर मीनिंग क्या हुआ? मींस द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग, कि आप राइट यूज कर पाओ, आप सही तरीके से पॉइंट्स या स्टॉप्स लगा पाओ कि कहाँ कौन सा और किस टाइप का पॉज देना है। तो वो पॉज देना ही असल में, पॉइंट्स देना ही असल में पंक्चुएशन है। तो पंक्चुएशन नॉट ओनली हैज स्ट्रक्चरल रोल बट ऑल्सो हैज सिमेंटिक फंक्शन टू परफॉर्म इन सेंटेंस। स्ट्रक्चर रोल तो आपको पता है कि हमें पता है कि सवालिया टाइप का जुमला है, तो स्ट्रक्चरल हेल्पिंग वर्ब बाहर आया है तो जुमला सवालिया हो गया, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा दें। लेकिन इसका एक सिमेंटिक रोल भी होता है। सिमेंटिक रोल से मुराद के मीनिंग एक्सप्लेन करता है कि इसका क्या मीनिंग है, आपने इसका लेना है। तो सिमेंटिक फंक्शन भी ये जाहरी तौर पर काफी हद तक ये परफॉर्म करता है। सिमेंटिक फंक्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल से। आपको दो एग्जाम्पल लिखी हुई है, सेम जुमला है, बस पंक्चुएशन का डिफरेंस है कि पहले एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा है जी कि पेन ले लेता हूं मैं एक बार, कि सिट नॉट स्टैंड। कि आप गौर करें तो मैंने लिखा है सिट नॉट स्टैंड, कि आपने सिट करना है, स्टैंड नहीं करना। तो मतलब ये आपको पॉइंट दिया जा रहा है कि सिट के बाद जो कॉमा है ये हमें हिंट दे रहा है कि हमें सिटिंग करनी है, यू आर अलाउड टू सिट। लेकिन अगर मैं यही कॉमा जो है वो ले जाता हूँ सिट नॉट के बाद, तो गौर करें सिट नॉट के बाद अगर मैं यही कॉमा ले जाता हूँ तो मीनिंग बन जाता है यू आर नॉट अलाउड टू सिट। तो गौर करें सिर्फ कॉमा की पोजीशनिंग चेंज हुई है, एक में आपको मीनिंग मिल रहा है कि सिट नॉट स्टैंड, और एक में आपको जो है वो मीनिंग मिल रहा है कि सिट नॉट, पॉज मैंने नॉट के बाद दिया, कॉमा मैंने नॉट के बाद दिया, तो सिट नॉट स्टैंड, तो उसमें आपको मीनिंग मिल रहा है कि आपको बैठना अलाउड नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू सिट। तो इट मीन्स टू से कि पंक्चुएशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल रोल नहीं रखती, बल्कि इसका एक सिमेंटिक मतलब एक मीनिंग में भी बड़ा अहम रोल है कि सेंटेंस अपने मीनिंग के अकॉर्डिंगली ही पंक्चुएशन लेता है। और यहाँ आकर बहुत सारे बच्चों को जो एकेडेमिक राइटिंग होती है स्पेशली, वहाँ प्रॉब्लम आती है कि बच्चे सोच रहे होते हैं कि यहाँ तो कोई कॉमा का बनता ही नहीं है, यहाँ तो कोई सेंटेंस की क्लॉज वगैरह सबॉर्डिनेट खत्म ही नहीं हुई, तो फिर हम क्यों कॉमा लगाएं। रीजन उसकी को जो स्पीकर होता है असल में उसने अपना मीनिंग देने के लिए, अपना जुमले पर या कोई एम्फसिस देने के लिए वहां कोई पॉज लिया होता है, तो दैट इज वाई वहां कॉमा जो है वो राइटिंग में देना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पीकिंग ऑफ दैट पर्सन हु इज स्पीकिंग। और जो आपके पास बुक्स होती हैं, जो एकेडेमिक राइटिंग होती है, वहां बेसिकली किसी शख्स का जब डायलॉग आता है तो उस डायलॉग में कॉमा उस शख्स के बोलने के अंदाज के अकॉर्डिंगली होता है, और हमें जाहिर है वो जब लिखा होता है तो हमें बोलता हुआ शख्स सुनाई तो दे नहीं रहा होता, तो हम समझ रहे होते हैं कि शायद ये कॉमा नहीं है, लेकिन राइटर ने वहां कोई ना कोई किसी किस्म का पॉज दिया होता है, वो स्पीकर के एंगल से उसके मीनिंग या एम्फसिस के एंगल से दिया होता है, जो कि अक्सर हम जिसको प्रॉपरली परसीव नहीं कर रहे होते। और अगर हम उसको बोल कर देखें तो फिर हमें पता लगता है कि यह स्पीकर ने यहाँ पॉज दिया है और उस पॉज का मकसद क्या है, और वो पॉज जब राइटर लिख रहा होता है, जब ऑथर लिख रहा होता है, तो वो उसमें पॉज जो है वो स्पीकर की या कॉमा जो है वो किसी ना किसी किस्म के पंक्चुएशन मार्क जो है वो स्पीकर के बोलने के अकॉर्डिंगली दे रहा होता है, तो वहां बेसिकली वो प्योरली रोल जो है वो सिमेंटिक हो चुका होता है,
और यही रोल जो पंक्चुएशन का है अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुश्किल का बाइस बनता है। तो वे वो डेफिनेटली इंशाल्लाह यहाँ सिमेंटिक एंगल से भी पंक्चुएशन को सीख रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं जी, इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स पे आते हैं। तो यहाँ हम इंशाल्लाह कैपिटलाइजेशन सबसे पहले देखेंगे, कॉमास देखेंगे, फुल स्टॉप देखेंगे, कॉलन, सेमी कॉलन, हाइफन, इन्वर्टेड कॉमास, पेरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स का यूसेज देखेंगे, एलिप्सिस का, देन हम क्या नाम लेते हैं, क्वेश्चन मार्क्स देखेंगे, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन देखेंगे, डैशेस कैसे पुट की जाती हैं और अपोस्ट्रॉफी कब और क्यों पुट की जाती है, ये सारे यूसेज हम देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारा यूसेज आ जाता है जी कैपिटलाइजेशन का। तो कैपिटलाइजेशन इज द राइटिंग ऑफ अ वर्ड विद इट्स फर्स्ट लेटर इन अपर केस, क्या आप उसका पहला लेटर अपर केस में लिखते हैं द रिमेनिंग लेटर्स इन द लोअर केस, तो इसका हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो रूल्स पे आते हैं जी इसके। तो फर्स्ट रूल इसका अगर आप देखें, द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी प्रॉपर नाउन, जैसे मेरा नाम नुमान है तो जब भी मैं नुमान लिखूंगा तो नुमान का इन कैपिटल लिखूंगा। रिपोर्टेड स्पीच वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होती है, जो किसी ने वर्ड्स बोले एज इट इज अगर वो लिख दिए जाए तो वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमर्स में आती है। उसका पहला अल्फा वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट, जो सेंटेंस स्टार्ट कर रहे होते हैं उसका फर्स्ट अल्फाबेट, लाइन ऑफ पोइट्री, अगर आप पोइम्स अगर आपने कुछ पढ़ी हैं, आप अपने सिलेबस में भी पढ़ते रहते हैं, तो जो पोइट्री की फर्स्ट लाइन होती है तो उसके भी हर लाइन का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो भी कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। एग्जांपल्स देखते हैं, द चीफ सेड सर विल यू अकंपनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, तो आप गौर करें तो ये आपकी जो है रिपोर्टेड स्पीच शुरू हुई है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो आपने देखा कि इसका सर बोला गया था तो सर का फर्स्ट अल्फाबेट हमने कैपिटल ही दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम द रेन की लाइन नजर आ रही हैं, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, इट्स अ स्वीट नॉइस टू हियर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। तो आप गौर करें हर लाइन का फर्स्ट अल्फाबेट जो है वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट वो कैपिटल है, और ये पोइट का नेम है डब्ल्यू एच डेविस, आप देखें इसमें भी उसके नेम के हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है, विलियम हेनरी डेविस है तो डब्ल्यू डॉट एच डॉट डेविस। नेक्स्ट चलते हैं जी रूल नंबर टू पे, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ऑल प्रॉपर नेम्स, हमें अभी पढ़ा प्रॉपर नेम जो होते हैं उन सबका फर्स्ट अल्फाबेट, जैसे किंग एडवर्ड है, मिस्टर स्टीवर्ड है, संडे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है, और वर्ड्स यूज एज प्रॉपर नेम्स, कोई भी ऐसा वर्ड जो प्रॉपर नाउन के तौर पर यूज कर लिया जाए वो भी हमें उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल ही देना पड़ता है। जैसे किंग है तो वो किंग एडवर्ड के साथ किंग का के कैपिटल होगा क्योंकि अब उसके नाम का हिस्सा ही बन गया, और टाइटल्स ऑफ पर्संस, आप जो लोगों के टाइटल होते हैं वो किसी का भी नाम है टाइटल, जैसे कायदे आजम तो कायदे आजम का क्यू और आजम का ये आप कैपिटल लिखते हैं। बुक्स के जो टाइटल होते हैं, एडजेक्टिव्स फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन, कोई भी एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे कह दिया जाए रशियन सैलेड तो रशियन का आर कैपिटल रखेंगे, आप कह देंगे चाइनीज सॉल्ट तो चाइनीज का सी कैपिटल रखेंगे क्योंकि ये उस सॉल्ट का या सैलेड का प्रॉपर नेम बन चुका है, उसका जो है वो एडजेक्टिव बन चुका है प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नेम्स में आप अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो वो रेसिस के नेम हो सकते हैं, जैसे ये कह दिया जाए कि फरारी रेस, रिलीजन्स के नेम है, पॉलिटिकल पार्टीज के नेम है, नेशंस के नेम है जैसे पाकिस्तानी, जियोग्राफिकल नेम्स हैं जैसे पोटोहार रीजन, हमालिया, हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं जैसे मैग्ना कार्टा एक हिस्टोरिकल इवेंट है, पीरियड्स जो अदवार होते हैं जैसे मेडिवल एजेस में कह दूँ डार्क एजेस, डॉक्यूमेंट्स के जो नेम रखे जाते हैं, टाइटल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे पंजाब कॉलेज कह दिया जाए एंड इंस्टीट्यूशंस के नेम्स, नेम्स ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एंड डिपार्टमेंट जैसे मैं वापडा का नाम ले लूँ, मैं किसी और सैनिटेशन के डिपार्टमेंट का नाम ले लूँ TMA कह लूँ, तो वो सारे जो गवर्नमेंट की बॉडीज इंस्टीट्यूशन के नेम्स हैं वो भी फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल आते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ये उनके डेजिग्नेशन का नेम है तो प्राइम का पी मिनिस्टर का एम कैपिटल, मिस्टर स्टीवर्ड तो मिस्टर मिसेस जहाँ भी आएगा हम आगे पढ़ेंगे उनका भी फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है, FSC तो ये चूंकि एब्रीवेशन है तो एब्रीवेशन में भी हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल ही आ रहा होता है। रूल 3 पे आते हैं, नेम्स ऑफ सुपर बींग्स एंड स्क्रिप्चर्स आर
कैपिटलाइज, मतलब सुपर बींग गॉड, द अलमाइटी, द कुरान, द बाइबल, ये स्क्रिप्चर्स हैं, हॉली बुक्स हैं, तो इनका भी नेम का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल रहेगा। नेक्स्ट आते हैं जी द पर्सनल प्रोनाउन आई एंड द इंटरजेक्शन ओ आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। ओ नो इट इज आई, तो आई जब भी अकेला लिखा जाता है मैं के मीनिंग में तो उसका भी फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल आता है जी। ऑल पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर द यूज ऑफ कैपिटल, जितने भी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सोनिफाइड से मतलब ये होता है जी जिनको पर्सन बनाकर पेश किया जाए, मतलब गिविंग लिविंग क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स इज बेसिकली पर्सोनिफिकेशन। और जब एक चीज पर्सोनिफाई कर दी जाए, ये फर्स्ट ईयर की पोएम है, 11 ली है, बीए के सिलेबस में भी है, तो उसमें ब्यूटी जो है वो पर्सोनिफाई की गई है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, के ब्यूटी के ग्लांस, ब्यूटी की झलक को देखने के लिए कोई वक्त ही नहीं है। तो चूंकि ब्यूटी को पर्सोनिफाई कर दिया गया तो दैट इज वाई ब्यूटी का भी कैपिटलाइज हो जाएगा। अब ये पर्सन है, ये एक ब्यूटी एक आपको पता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको एक खातून के तौर पर, एक लिविंग बींग के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो दैट इज वाई ब्यूटी का भी कैपिटल रहेगा। तो हम कॉमास के यूसेज पर स्टूडेंट अब आते हैं। तो कॉमास में, कॉमास आर दी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज पंक्चुएशन मार्क, सबसे ज्यादा आपको जो भी आप एकेडमिक राइटिंग पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको कॉमास का यूसेज सबसे ज्यादा करना पड़ता है, आप उसका विटनेस करते हैं। तो कॉमास यूजुअली इंडिकेट ब्रीफ पॉज, एक छोटा सा पॉज होता है, दे आर नॉट एज फाइनल एज पीरियड, पीरियड्स हम फुल स्टॉप को कहते हैं जी, तो पीरियड्स की तरह, फुल स्टॉप की तरह ये फाइनल पॉज तो नहीं है, ये एक थोड़ा सा वक्फा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिट नॉट स्टैंड, एक छोटा सा वक्फा लिया तो मैंने सिट के बाद कॉमा दे दिया, और अगर मैं कहता हूँ सिट नॉट स्टैंड तो मैंने नॉट के बाद पॉज लिया छोटा सा तो कॉमा दे दिया, तो ये छोटे से पॉज होते हैं। तो रूल पे आते हैं जी, यूज कॉमास टू सेपरेट वर्ड्स एंड वर्ड ग्रुप्स इन अ सिंपल सीरीज ऑफ थ्री और मोर आइटम्स। तो एक अगर सीरीज चल रही है, ग्रुप चल रहा है, सीरीज चल रही है तीन या ज्यादा आइटम्स, अगर दो है तो वो तो असलम एंड अकरम खत्म हो जाएगा, लेकिन असलम कॉमा अकरम एंड अहमद तीन हो या उससे ज्यादा हो तो आपको कॉमास का यूज सीरीज के लिए करना पड़ता है। जैसे आप देखें, आई बॉट मैनी बुक्स, अ पेन, पेंसिल एंड अ बैग, तो आप देखें चार आइटम्स थी तो आपको कॉमास का यूसेज करना पड़ा। देन आते हैं व्हेन द लास्ट कॉमा इन अ सीरीज कम बिफोर एंड एंड और, गौर करें यहां मैंने एंड से पहले भी ये कॉमा लगाया, जो कि अक्सर स्किप कर दिया जाता है, राइटर्स इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन ये कॉमा यूजली लगाया जाता है। तो जब एक सीरीज में एंड या और से पहले कॉमा लगता है तो उस कॉमा को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा, यस ऑक्सफोर्ड कॉमा। तो जनरली वन अवॉइड्स यूजिंग ऑक्सफोर्ड कॉमास, मतलब यूजली ऑक्सफोर्ड कॉमा को यूज नहीं किया जाता। मोस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स ड्रॉप ऑक्सफोर्ड कॉमा इन अ सिंपल सीरीज अपेरेंटली फीलिंग इट इज अननेसेसरी, मतलब वो ज्यादा यूज नहीं करते, वो कहते हैं ये तो गैर जरूरी है। हाउएवर ओमिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड कॉमा कैन समटाइम्स लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, कि अगर आप ये ऑक्सफोर्ड कॉमा ना लगाएं तो बाज़ औक़ात कुछ गलत फहमियां भी पैदा होती हैं, कुछ मसाइल भी पैदा होते हैं अगर ये ऑक्सफोर्ड कॉमा को आप ओमिट करते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि ऑक्सफोर्ड कॉमा कई बार क्यों जरूरी हो जाता है। आप ये नीचे एग्जाम्पल देखें, आपको नजर आ रही है, आई हैव रेड द स्टोरीज ऑफ सिंड्रेला, हम्प्टी एंड धम्प्टी एंड रॉबिन हुड। तो गौर करें, हमने इस रॉबिन हुड से पहले कॉमा लगाया है हम्प्टी एंड धम्प्टी के बाद, ये कॉमा क्यों लगाया गया है, ये हम धम्प्टी के बाद कॉमा लगाने की वजह क्या है, ये क्लियर कर देता है कि हम्प्टी एंड धम्प्टी एक बुक है, ठीक है जी, ये वन स्टोरी है। और इस तरह के केसेस में आपको ऑक्सफोर्ड कॉमा हर सूरत रिक्वायर्ड, अगर ये आप कॉमा ना देते तो एक जुमला अजीब हो जाना था, सिंड्रेला एक हो जाना था, हम्प्टी एंड धम्प्टी एंड रॉबिन हुड ऐसा लगना था, हम्प्टी एंड धम्प्टी एंड रॉबिन हुड ये मिलकर कोई एक स्टोरी बन रही है, जिसका जो है मीनिंग जिससे सारे का सारा जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकता था। तो यहाँ आपको देखें तो लास्ट वाला जो सीरीज के एंड पर एंड लगा हुआ है, यहाँ आपको कॉमा जरूर रिक्वायर्ड है ताकि मीनिंग क्लियर हो सके और किस तरह के एम्बिग्यूटी कंफ्यूजन ना रहे। रूल थ्री पे आते हैं जी, तो मेनी इनएक्सपीरियंस राइटर्स रन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टूगेदर बाय यूजिंग अ कॉमा इंस्टेड ऑफ अ फुल स्टॉप। वो क्या करते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज याद रखिएगा किसी भी ऐसी क्लॉज को कहा जाता है जो कि अकेली एक सेंटेंस के तौर पर खड़ी हो सकती है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और अकेली सेंटेंस बना सकती है, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ रही हो जो कि अकेले तौर पर खड़े हो सकती हूँ, सेंटेंस बना सकती हूँ, आप उनके दरमियान सिर्फ कॉमा पुट नहीं कर सकते। तो इट वॉजेंट हर वॉइस एग्जाम्पल देखते हैं,
इट वॉजेंट हर वॉइस श्रीकिंग सो इट कूडेंट बी, गौर कर इट कूडेंट बी लैदा लिखा जा सकता है, इट वॉजेंट हर वॉइस श्रीकिंग सो लैदा लिखा जा सकता है, ये आपके लेसन वन से एग्जाम्पल ली है बटन बटन से। तो गौर करें आप इसको दो तरीकों से जो है वो यहाँ लिख सकते हैं, इट वॉजेंट हर वॉइस श्रीकिंग सो इट कूडेंट बी, या तो उसको दो जुमले बना दें, इट वॉजेंट हर वॉइस श्रीकिंग सो फुल स्टॉप इट कूडेंट बी, या आप ऐसा करें कि उधर कोई ना कोई मैंने जैसे बोला कि कंजंक्शन ऐड कर दे, तो इट वॉजेंट हर वॉइस श्रीकिंग सो एंड इट कूडेंट बी, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपका जो दो क्लॉजेज हैं वो एक कंजंक्शन से जुड़ गई, तो आपने कॉमा लगा दिया या दे ही वहां फुल स्टॉप दें ताकि वो दोनों क्लॉजेज लेदर लेदर सेंटेंस की सूरत में आ जाएं। हाँ, इनके अंदर इसके अलावा भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेमी कॉलन और कॉलन की गुंजाइश में से भी किसी एक की पैदा हो सकती है, वो कैसे पैदा हो सकती है, क्यों हो सकती है, वो इंशाल्लाह हम कॉलन और सेमी कॉलन में जाकर भी पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, आपको जब पंक्चुएशन का क्वेश्चन पेपर में आता है, स्पेशली आपकी टेक्स्ट बुक्स में से जब पंक्चुएशन का कोई पैराग्राफ आता है, जैसे अक्सर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इंग्लिश में आता है, तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि जी इन दोनों में से कोई भी कर दें, वहां प्रेफरेबल ये होता है कि जो बुक में किया गया है वैसे करें, और जाहिर है इसके लिए आपको बुक से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जितनी आप प्रैक्टिस बुक में से कर रहे होंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आप बुक के अकॉर्डिंगली करें। वरना याद रखिएगा एक ही पैराग्राफ को जो है वो कई तरीके से पंक्चुएट किया जा सकता है, जैसे मैंने गौर करें इस जुमले को जो कि गलत था, जो कि इनकरेक्ट था, दो तरीके से पंक्चुएट करके दिखाया और दोनों तरीकों से करेक्ट है, लेकिन बुक में बेटर होता है कि आप उस तरीके से पंक्चुएट करें पेपर में जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, वो प्रेफरेबल है, तो क्योंकि अक्सर एग्जामिनर बुक से ही अपने सॉल्यूशन की ले रहे होते हैं। रूल नंबर थ्री को आगे बढ़ा रहे हैं जी, वही बात मैंने आपको जो भी बता रहा था कि एंड से पहले कॉमा की, तो इन सेंटेंसेस वेयर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर जॉइंड और बाय कनेक्टर सच एज फॉर एंड नॉर बट और येट सो, आपने एक वर्ड सुना होगा कंजंक्शन के सिलसिले में फैन बॉयज का, आई डू होप कि आपने ये फैन बॉयज का वर्ड सुना होगा। फैन बॉयज में देखें फैन का एफ फॉर से एंड ए से नॉर एन से बी बट और येट का वाई और एस का सो, ये हमने असल में एक एक्रोनिम बना लिया ताकि बच्चों को ये वाली कंजंक्शन या कनेक्टर याद करना आसान हो, कि अगर फैन बॉयज दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइन करें, ये बात बहुत सुनने वाली है, पुट अ कॉमा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्लॉज, तो पहली क्लॉज से पहले कॉमा देना, जैसे गौर करें ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, तो अगर आपने इनको ज्वाइन किया एंड से कनेक्टर दिया तो मैंने कॉमा यहां पुट किया, तो यहां एग्जांपल भी देखते हैं, ही वॉक्ड ऑल द वे होम एंड ही शट द डोर, आप गौर करें ये दो क्लॉजेज हैं, क्लॉज याद रखिएगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि एक सेंटेंस के तौर पर लेदा स्टैंड कर सके, ही वॉक्ड ऑल द वे होम ही शट द डोर, आप गौर करें ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इनको फैन बॉयज जो मैंने अभी आपको बताया ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो जाहिर है इससे पहले कॉमा आना चाहिए, अक्सर ये कॉमा भी मिस कर दिया जाता है जो कि ठीक नहीं है। सम राइटर्स ओमिट द कॉमा इफ द क्लॉजेज आर बोथ क्वाइट शॉर्ट, मतलब अगर क्लॉजेज छोटी हो, जैसे आप नीचे एग्जाम्पल देखें, आई पेंट एंड ही राइट्स, आपको कॉमा की जरूरत नहीं है, ही गोज एंड आई कम, आपको जरूरत नहीं है, और लास्ट वाली में दे वेप्ट बट वी लाफ्ड, आपको देखिए सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब तक क्लॉजेज महदूद हैं, और जब सब्जेक्ट वर्ब तक महदूद हो वो छोटी सी क्लॉजेज हैं जैसे ये, तो आपको इस कॉमा को ओमिट कर सकते हैं, वैसे लगा भी दिए तो गलत नहीं है लेकिन यूजली ओमिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इफ द सब्जेक्ट डज नॉट अपियर इन फ्रंट ऑफ द सेकेंड वर्ब अ कॉमा इज जनरली अननेसेसरी, मतलब गौर करें कि जो अगला वर्ब आ रहा है ही थॉट क्विकली बट स्टिल डिड नॉट आंसर करेक्टली, देखो यहाँ ही आए वी कोई भी जो है यहाँ सब्जेक्ट नहीं आया हुआ, तो दैट इज वाइज बट से पहले ये फैन बॉय से पहले कॉमा नहीं है, तो बट समटाइम्स अ कॉमा इन दिस सिचुएशन इज नेसेसरी टू अवॉइड कन्फ्यूजन, बाज वक़्त कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जरूरी हो जाता है, आई सॉ दैट शी वॉज बिजी एंड प्रिपेयर टू लीव, तो गौर करें अगर ये आप लगाते हैं कि आई सॉ दैट शी वॉज बिजी एंड प्रिपेयर टू लीव, तो ऐसा लगता है कि शी वॉज बिजी एंड प्रिपेयर टू लीव, अगर ये मैं कॉमा नहीं लगाता तो ये मिलकर एक चीज हो जाएगी जो मैंने भी सर्कल में की है, जो कि ज़ाहिर है कन्फ्यूजन पैदा करेगी कि शायद कि मैंने देखा कि वो मसरूफ थी और जाने के लिए तैयार थी,
अगर मैं यहाँ कॉमा लगा देता हूँ तो चीजें जो है वो और रुख अख्तियार कर जाएंगी। तो अब अच्छा, अब आप कॉमा की सूरत में देखिएगा क्या होगा। आई सॉ दैट शी वाज बिजी कॉमा एंड प्रिपेयर टू लीव। ये प्रिपेयर टू लीव अब आई हो गया है ये शख्स। तो गौर करें, इस कॉमा ने सेंटेंस की कंफ्यूजन ही रिमूव कर दी, और अगर ये कॉमा ना लगाया जाता तो सेंटेंस काफी ज्यादा कंफ्यूज रहना था। नेक्स्ट आते हैं जी, व्हेन स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद अ डिपेंडेंट क्लॉज यूज अ कॉमा आफ्टर इट। मतलब अगर सेंटेंस एक डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू हो, क्लॉज मैंने देख कहा था जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो, देखो यू आर, तो सब्जेक्ट वर्ब आ गया, क्लॉज तो है, लेकिन इफ की मौजूदगी की वजह से ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये एक अलहदा सेंटेंस के तौर पर स्टैंड नहीं कर पाएगी। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस, क्लॉज तो है, सब्जेक्ट वर्ब रखती है, लेकिन देखिए आप इसको सेपरेट जुमले के तौर पर लिख नहीं सकते। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस, तो आपको अब यहाँ कॉमा देना है जी। लेट मी नो हाउ नाउ, तो मुझे अभी बताइए। तो अब गौर करें, अब यहाँ कॉमा जरूरी था क्योंकि पहले सबॉर्डिनेट क्लॉज आई है और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज आई है। बट अ कॉमा इज अननेसेसरी व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉलोड बाय अ डिपेंडेंट क्लॉज। अगर जुमला इंडिपेंडेंट क्लॉज से शुरू और डिपेंडेंट क्लॉज उसके बाद में आ रही हो तो देन कॉमा नहीं लगाया जाता, वो अननेसेसरी होता है। तो गौर करें, यही जुमला जो था ऊपर वाला, सेम टू सेम जुमला यहाँ लिखा है, लेकिन लेट मी नो हाउ नाउ पहले कर दिया, और जो डिपेंडेंट क्लॉज थी इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस वो बाद में कर दी। तो अब किसी भी कॉमा की गौर करो यहाँ जरूरत नहीं है और ना ही आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट रूल 5 पे आते हैं, यूज कॉमास टू सेट ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड नॉन एसेंशियल वर्ड्स क्लॉजेस एंड फ्रेजेस। वो सारे वर्ड्स क्लॉजेस या फ्रेजेस, फ्रेज याद रखिएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं यूजली, लेकिन उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना नहीं चाहिए। तो वो अगर नॉन एसेंशियल है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं है, तो हम उसको कॉमास लगा के, मतलब दो कॉमास की मदद से सेट ऑफ कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं। अली हु इज माई ब्रदर शट द डोर। गौर करें, अली हु इज माई ब्रदर शट द डोर, तो हु इज माई ब्रदर नॉन असेंशियल है, इसको ना भी लगाएं तो जुमला क्लियर है कि अली शट द डोर। तो हु इज माई ब्रदर को हम कॉमास लगाकर सेट ऑफ कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं, असद अ ग्रेट बायोलॉजी टीचर इज माई फ्रेंड। तो गौर करें, अ ग्रेट बायोलॉजी टीचर नॉन असेंशियल है, एक सिर्फ एक्सप्लेनिंग के तौर पर आ रही है और कुछ भी नहीं है कि असद को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो कौन है, तो इसको हमें कॉमास लगाकर सेपरेट कर देना चाहिए। द थ्री आइटम्स, गौर करें, अब हमारे पास अ बुक, अ पेन एंड अ पेपर वर ऑन द टेबल। तो गौर करें, ये जो कॉमास हैं दो, क्या नाम लेते हैं, ये सेट ऑफ कर रहे हैं। तो थ्री आइटम्स वर ऑन द टेबल, तो यहाँ पेपर के बाद भी कॉमा आना चाहिए। ये कॉमा क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये कॉमा इन सब को क्या कर रहा है जी, यस, इन सब को ये कॉमा सेट ऑफ कर रहा है। तो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, आपको यहाँ नजर आ रहा है कि अ बुक, अ पेन एंड पेपर, ये एक तरह से सिर्फ एक्सप्लेन कर रही है थ्री आइटम्स को। तो असल जुमला है थ्री आइटम्स वर ऑन द टेबल, तो थ्री आइटम्स वर ऑन द टेबल, वो थ्री आइटम्स कौन सी थी, वो हमने कॉमास लगाकर उसको एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जो दो कॉमास आए हैं अब पहले और बाद में, असल में ये इस पूरी लिस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अ क्लोजिंग कॉमा इज कॉल्ड एन अ पॉजिटिव कॉमा, मेनी राइटर्स फॉरगेट टू ऐड दिस इंपॉर्टेंट कॉमा। अक्सर राइटर जो है वो ये जो क्लोजिंग कॉमा होता है, ये वाला कॉमा लगाना भूल जाते हैं, ये कॉमा लाजमी तौर पर आना चाहिए। ओके तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। इफ समथिंग और समवन इज सफिशिएंटली आइडेंटिफाइड, कहने का क्या मतलब है कि अगर जुमले का हमारा कोई नाउन या कोई चीज, मतलब वो नाउन हो, पर्सन हो, नेम हो किसी पर्सन का, थिंग का, अगर वो आइडेंटिफाइड हो जाए, मतलब उसको हम पहचान, जैसे हफीज, हमें पता है हफीज किसी शख्स का नाम है, आइडेंटिफाइड, अगर हम उसका नाम ले रहे हैं, द डिस्क्रिप्शन दैट फॉलोज इज कंसिडर्ड नॉन असेंशियल एंड शुड बी सराउंडेड बाय कॉमास। तो जो बाद में डिस्क्रिप्शन आ रही होती है उसको हम फिर नॉन असेंशियल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हफीज तो पहले से आइडेंटिफाइड है, तो ये नॉन असेंशियल जो डिस्क्रिप्शन है ये लाजमी तौर पर कॉमास के अंदर आएगी। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि नॉन असेंशियल क्लॉजेस कॉमा में हम दे रहे होते हैं, तो हफीज हु हैज अ लिम्प वाज इन एन ऑटो एक्सीडेंट। लेकिन दूसरा जुमला देखिएगा, द बॉय हु हैज अ लिम्प, तो यहाँ बॉय डिस्क्राइब किया गया है, बॉय ऑलरेडी आइडेंटिफाइड नहीं है, कौन सा बॉय का लिम्प था, हु वाज इन एन ऑटो एक्सीडेंट, जो कि
एक्सीडेंट में था, तो इट मीन्स टू से यहाँ बॉय हमें आइडेंटिफाई करवाना पड़ा कि ये कौन से वाला बॉय था। हु हैज अ लिंप जो है यहाँ असेंशियल क्लॉज है, इसके बगैर बॉय क्लियर ही नहीं हो रहा। तो याद रखिएगा असेंशियल क्लॉज होती है जिसके बगैर जुमला अपना मीनिंग क्लियर ना करे, नॉन असेंशियल जिसके बगैर भी जुमला जो है वो अपना मीनिंग काफी हद तक क्लियर करता हो। तो नॉन असेंशियल क्लॉज जो है वो उस क्लॉज को हम कहेंगे जो क्या नाम लेते हैं, जिसके उस जुमले में जरूरत उतनी ना हो। तो हु हैज अ लिंप, यहाँ जो हफीज वाला जुमला है ऊपर वाला, यहाँ क्लियर है तो हफीज कौन है, तो दैट इज हम इसको नॉन असेंशियल क्लॉज कहेंगे और इसका हम कॉमा देंगे। रूल नंबर 6 पे आते हैं जी, यूज अ कॉमा आफ्टर सर्टेन वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस। अगर ये वर्ड्स वेल, यस, आई, हेलो, हे, नो वगैरह, ये अगर एक सेंटेंस इंट्रोड्यूस करवाए, इंट्रोड्यूस करवाने का ये मतलब नहीं कि सेंटेंस का सिर्फ आगाज इनसे हो, ये सेंटेंस का इंटेग्रल पार्ट भी नहीं होते, सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो देन हम इनके बाद कॉमा लेते हैं। जैसे वाई जुमले का इंटेग्रल पार्ट नहीं, जुमला तो आई कांट बिलीव दिस, वाई आई कांट बिलीव दिस, नो यू कांट हैव अ डॉलर, यस दिस इज द वे चेस, तो यहाँ जो मैंने भी बोला जुमला, यस के बाद आपको कॉमा देना होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी रूल नंबर 7 पे, यूज कॉमास टू सेट ऑफ एक्सप्रेशंस दैट इंटरप्ट द सेंटेंस फ्लो। वो सारे एक्सप्रेशन, इनको हम कंजंक्टिव एडवर्ब वगैरह भी बोलते हैं, तो ये सेंटेंस के फ्लो में एक इंटरप्शन देते हैं। अगर ये विद इन अ सिंगल क्लॉज या एक सिंगल सेंटेंस आए तो हम इनको कॉमास लगा के लैदा करते हैं, नेवर द लेस, आफ्टर ऑल, बाय द वे, ऑन द अदर हैंड, या हाउएवर जैसे वर्ड्स हैं जी। तो आई एम बाय द वे वेरी नर्वस अबाउट दिस, गौर करें असल जुमला थे कि आई एम वेरी नर्वस अबाउट दिस, तो बाय द वे या हाउएवर भी लगा दें या नेवर द लेस भी लगा दें, तो ये सिर्फ एक इंटरप्शन दे रहा है, तो इसको हम कॉमास लगा के बाकी जुमले से यस सेपरेट कर देंगे। रूल नंबर 8 पे आते हैं जी, यूज कॉमास टू सेट ऑफ द वोकेटिव केस। वोकेटिव केस होता है जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, जब हम किसी को पुकारते हैं उसका नाम वगैरह लेके, तो वो वोकेटिव केस जो होता है वो कोई नेम हो, निक नेम हो, टर्म ऑफ इंडियरमेंट मतलब हमने प्यार से किसी को कोई लफज रखा हो, तो टाइटल ऑफ अ पर्सन डायरेक्टली एड्रेस्ड, किसी शख्स का टाइटल उसको एड्रेस करने के लिए, तो विल यू आयशा डू दैट असाइनमेंट फॉर मी, तो गौर करें असल जुमला तो है विल यू डू दैट असाइनमेंट फॉर मी, तो जो आयशा ये पुकारा गया इसका वोकेटिव केस कहते हैं, तो ये कॉमा लगाकर अलहदा कर दिया। अगर लफ्ज आयशा जुमले के शुरू में आता तो सिर्फ आयशा के बाद में कॉमा आना था, अगर ये आयशा जुमले के एंड पर आता तो सिर्फ आयशा से पहले कॉमा आना था, सेंटर में तो इसको मैंने कॉमा लगा के दोनों साइड से अलहदा किया। यस ओल्ड फ्रेंड, यहाँ तो भी ओल्ड फ्रेंड सेंटर में, तो लहदा किया कॉमा लगा के। गुड डे कैप्टन, कैप्टन एंड पर आया तो सिर्फ उससे कैप्टन से पहले कॉमा लगाया। दिस इज द वे जेस, मैं क्लियरिंग इन द स्काई की लाइन बोली है, तो दिस इज द वे, रास्ता ये है जेस, जेस चूंकि उसको पुकारा गया है तो आपको जेस से पहले कॉमा मिलता है। रूल नंबर 9 पे आते हैं, यूज अ कॉमा टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर। जब आप डेट लिखते हैं तो जब आप डे ऑफ द मंथ लिखते हैं तो उसको ईयर से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं, और अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं जी, और ये क्या नाम लेते हैं, लाजमी तौर पर हमें ये कॉमा देना चाहिए, और अगर जुमला जारी हो तो लफ्ज़ इवन ईयर के बाद भी, ऑलवेज पुट वन आफ्टर द ईयर, तो ईयर के बाद भी कॉमा हमें देना होता है। तो अगर सिर्फ मंथ और ईयर हो तो फिर हमें ये कॉमा देने की जरूरत नहीं होती, जैसे जून 2003 कॉमा की जरूरत नहीं है, लेकिन जून 5 2003 तो हमें यहाँ कॉमा की जरूरत है जी। रूल नंबर 10 पे आते हैं, यूज अ कॉमा टू सेपरेट अ सिटी फ्रॉम इट्स स्टेट एंड रिमेंबर टू पुट वन आफ्टर द स्टेट आल्सो। तो गौर करें, आई एम फ्रॉम उकाड़ा पंजाब, तो उकाड़ा सिटी है, पंजाब जो है एक तरह से उसका प्रोविंस है, स्टेट है, तो लाजमी तौर पर हम उकाड़ा और पंजाब के दरमियान कॉमा लगाएंगे। अगर ये जुमला जारी हो, उकाड़ा पंजाब और इसके बाद वर्ड पाकिस्तान भी आ जाए, तो फिर हमें लफज पंजाब के बाद भी कॉमा पुट करना चाहिए, और जाहिर है यहाँ पर जुमला एंड हो जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर 11 पे आ गए हम, तो अगर सर और जूनियर, जिसको हम शॉर्ट करके सर जिया डॉट लिखते हैं, तो हम क्या नाम लेते हैं, अगर ये किसी नेम के बाद आ रहे हों तो लाजमी तौर पर हम इनको जो फुल नेम है उसके एंड पर कॉमा लगाकर सर और जूनियर को उससे सेपरेट कर देते हैं, और आजकल हम इस कॉमा को अक्सर मैंडेटरी नहीं समझते,
जैसे हफीज सर, तो यहाँ कॉमा की जरूरत नहीं है, इज हेयर। हाउएवर अ कॉमा डज, इफ अ कॉमा डज प्रीसीड सर और जूनियर, मतलब सर और जूनियर से पहले अगर तो कॉमा आ गया, अगर तो कॉमा आ जाए, तो इट मस्ट बी फॉलोड बाय द इंटायर नेम व्हेन इट अपीयर्स मिड सेंटेंस। तो अगर ये सर जूनियर मिड सेंटेंस आ रहा है, नेम के मतलब बाद आ रहा है, एक तरह से अब्यूज समझ ले, तो अगर इससे पहले कॉमा आया है तो इसके बाद भी कॉमा लगाना मस्ट है। तो दैट इज व्हाई गौर कर, यहाँ फीस के बाद कॉमा था तो सर के बाद भी कॉमा रिक्वायर्ड था, या तो फिर ये कॉमा भी ना दे तो फिर ये कॉमा की भी जरूरत नहीं रहती। आई डू होप कि आपको ये सिंपल सा फार्मूला समझ आ गया होगा। रूल नंबर 12 पे आते हैं, सिमिलरली यूज कॉमास टू इनक्लोज डिग्रीज और टाइटल्स यूज्ड विद नेम्स। अगर किसी का डिग्री है, टाइटल है, उसके नेम के साथ अगर आपने लिखा है उसके नेम के बाद, उसको भी कॉमा से आप उसी तरीके से इनक्लोज करेंगे। जैसे अल्बोनी एमडी, उसका डेजिग्नेशन है, तो दोनों साइड पर हम कॉमास लगाएंगे। एमडी मींस मैनेजिंग डायरेक्टर। रूल नंबर 13 पे आते हैं, यूज कॉमास टू इंट्रोड्यूस और इंटरप्ट कोटेशन मार्क्स। अगर एक रिपोर्टिंग स्पीच के बाद एक रिपोर्टेड स्पीच आ रही है तो हम लाजमी तौर पर कॉमा दे रहे होते हैं, ही सेड आई डोंट केयर। लेकिन अगर यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच ना हो, रिपोर्टिंग स्पीच वो होती है जो रिपोर्टेड स्पीच का पता देती है कि उसने कहा, बोला, शाउट किया, तो कुछ ऐसा कोई वर्ड आ रहा हो कुछ बोलने कहने का, तो वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है रिपोर्टेड स्पीच से पहले, और उसको हम कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं, पहले आए या बाद में आए। और अगर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो सेंटर में आए और दोनों साइड पर रिपोर्टेड स्पीच हो, रिपोर्टेड स्पीच मतलब वो स्पीच जो किसी ने मुंह से बोली हो, तो आप अगर आप यहां देखें, मैं इसको रिमूव कर दूं, तो वाई उसने मुंह से बोला है, डोंट यू केयर उसने बोला है, आई आज उसने बोला नहीं है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का आपको नजर आ रहा है दोनों साइड पर कॉमास दिए गए, जहां इनवर्टेड कॉमास क्लोज हो रहे वहां आपको अंदर नजर आ रहे हैं, और जहां इनवर्टेड कॉमास स्टार्ट हो रहे वहां आपको ये बाहर वाली साइड पर नजर आ रहा है। तो अगर एक वर्ड की कोटेशन हो तो फिर ऑप्शनल है, आप ये लगाए ना लगाए, ही सेड स्टॉप, तो एक वर्ड की आप लगा दें तभी ठीक है, ना लगाए तभी ठीक है। इफ द कोटेशन कम्स बिफोर ही सेड, शी रोट, या कोई भी रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ड हो, दे रिपोर्टेड, देन इंसिस्टेड, और अ सिमिलर एट्रीब्यूशन, एंड द कोटेशन मटीरियल विद अ कॉमा इवन इफ इट इज ओनली वन वर्ड। मतलब कि अगर तो रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आ रही है और रिपोर्टेड स्पीच मतलब कोटेशन पहले आ रही है, बेशक वो फिर वन वर्ड की भी हो, फिर ऑप्शनल नहीं रहता जी, फिर आपको हर सूरत कॉमा देना, और मैंने अभी बताया कि वो कॉमा फिर आपने इनवर्टेड कॉमास के अंदर देना है। इफ अ कोटेशन फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इट माइट नॉट नीड अ कॉमा। अगर वो हमारे सब्जेक्ट का पार्ट बन जाए या ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाए, फिर कॉमा की जरूरत नहीं रहती। Is I don't care all you can say to me? तो गौर करें, is ये हमारा, गौर करें, सब्जेक्ट का पार्ट है और यहां से हमारा प्रेडिकेट का पार्ट शुरू हो रहा है, तो चूंकि वो उसका पार्ट बन चुकी हुई है तो अब हमें कॉमा की जरूरत नहीं है। Saying stop the car was a mistake, देखो saying stop the car ये सब्जेक्ट का पार्ट है, was a mistake प्रेडिकेट बन चुका है, तो अब इस स्टॉप द कार, ऑल, आई डोंट केयर, ये भी रिपोर्टेड स्पीचेस हैं, कोटेशंस हैं, लेकिन चूंकि ये सब्जेक्ट का पार्ट बन चुके हैं तो इनको कॉमास लगा के सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 14 पे आते हैं जी, यूज अ कॉमा टू सेपरेट अ स्टेटमेंट फ्रॉम टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन जो होते हैं वो एक स्टेटमेंट के एंड पर एक क्वेश्चन एड कर दिया जाता है उसी जुमले के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की मदद से, जैसे आई कैन गो, कांट आई। और याद रखिएगा टैग क्वेश्चन की एक और खूबी कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो टैग क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ इंटरोगेटिव होता है। ही विल कंप्लीट इट इन नॉट इन टाइम, वॉन्ट ही, वॉन्ट मीन विल नॉट ही। तो गौर करें उसी जुमले के सब्जेक्ट और वर्ब से हमने जो है वो जुमला का टैग क्वेश्चन बना लिया, और टैग क्वेश्चन को बाकी जुमले से सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का इस्तेमाल लाजमी तौर पर किया जाता है। रूल नंबर 15 पे आते हैं जी, यूज अ कॉमा टू सेपरेट कंट्रास्टिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। कंट्रास्टिंग पार्ट वो जो होते हैं जो एक तरह से एक दूसरे की नफी कर रहे होते हैं, दैट इज माय मनी नॉट yours, तो ये कंट्रास्टिंग पार्ट्स हैं, एक दूसरे को उल्ट कर रहे हैं, तो इनके दरमियान भी हम कंट्रास्टिंग पार्ट्स के दरमियान भी कॉमास लगाते हैं। रूल नंबर 16 पे आते हैं,
यूज अ कॉमा बिफोर एंड आफ्टर सर्टन इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। कुछ वर्ड्स होते हैं जी जो एक इंट्रोडक्शन की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, तो इनसे पहले बिफोर एंड आफ्टर हमें कॉमास लगाने होते हैं। तो व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ आइटम्स, मतलब स्पेशली जब इनके बाद एक सीरीज ऑफ आइटम आ रही हो, तो नेमली नेमली के बाद भी हम एक सीरीज दे रहे होते हैं, दैट इज आई, जिसको ई डस्ट कहते हैं, ई जी एग्जाम्पल के लिए हम यूज करते हैं, फॉर इंस्टेंस। तो यू एग्जाम्पल देखते हैं, यू मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग माई मैनी आइटम्स, ई जी स्लीपिंग बैग्स, गोरखा ने लिस्ट आ गई है, पेंस एंड वार्म क्लॉथिंग। तो ई जी से पहले भी कॉमा, ई डॉट जी डॉट, और उसके बाद में भी कॉमा आपको लगाना होता है। इसलिए अगर इसी तरह अगर यहाँ वर्ड नेमली आ जाता, आई ई आ जाता, तो तब भी आपको दोनों साइड पर कॉमास पुट करने चाहिए थे। अ कॉमा शुड प्रीसीड द टर्म ईटीसी। ईटीसी अक्सर हम जुमले के एंड पर लिख रहे होते हैं, तो उससे पहले हमें लाजमी तौर पर एक कॉमा देना होता है। सारा जुमला तो एंड हो चुका होता है, आगे एटसेट्रा जो है उसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। और मैनी अथॉरिटीज ऑल्सो रिकमेंड अ कॉमा आफ्टर ईटीसी व्हेन इट इज प्लेस मिड सेंटेंस, मतलब ईटीसी अगर जुमले के दरमियान में आ जाता है, उसके बाद भी आइटम्स मौजूद हैं, कोई वर्ड्स मौजूद हैं, तो तब आपको उसके दोनों साइड पर कॉमा लगाना है। जैसे आप आई ई या ई जी वगैरह के साथ लगाते, ऐसे आप ईटीसी के पहले और बाद में भी कॉमा पुट कर रहे होते हैं। तो फुल स्टॉप पे आ जाते हैं जी हम अपने नेक्स्ट जो है पंक्चुएशन मार्क की तरफ। तो फुल स्टॉप की जो सिंबल है वो तो एक सिंपल फुल स्टॉप है, तो इसको हम पीरियड भी कह लेते हैं, पॉइंट भी कह लेते हैं इंग्लिश में। तो यूज अ पीरियड, अमेरिकन इंग्लिश में हम इसको पीरियड कहते हैं, फुल स्टॉप हम यूजुअली इसको ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं। एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस, दैट इज अ स्टेटमेंट, एक कंप्लीट सेंटेंस एंड हो गया है, तो उसके एंड पर हम फुल स्टॉप लगा रहे थे। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरस्ड, हमें फुल स्टॉप लगाना है। आफ्टर डिनर आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, तो हमें यहाँ फुल स्टॉप देना चाहिए। तो रूल नंबर टू आते हैं जो फुल स्टॉप का, इफ द लास्ट आइटम इन द सेंटेंस इज एन एब्रीवेशन दैट एंड्स इन अ पीरियड, डू नॉट फॉलो इट विद अनदर पीरियड, मतलब एक सेंटेंस का एंड जो है वो पहले से ही हजार एब्रीवेशन से हो रहा है, एब्रीवेशन के एंड पर तो फुल स्टॉप आता ही आता है, तो फिर दोबारा फुल स्टॉप देने की जरूरत नहीं है, वो एब्रीवेशन का फुल स्टॉप ही सेंटेंस के फुल स्टॉप के तौर पर भी ही फंक्शन कर लेगा। कॉलन पर आ रहे हैं जी हम, यूज अ कॉलन, कॉलन का मार्क, ये दो एक तरह से फुल स्टॉप होते हैं जो वर्टिकली प्लेस हो जाते हैं। तो यूज अ कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ आइटम्स, हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक पूरी आइटम, सीरीज ऑफ आइटम्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी हो। डू नॉट कैपिटलाइज द फर्स्ट आइटम आफ्टर द कॉलन अनलेस इट इज अ प्रॉपर नाउन, अगर वर्ड अगला प्रॉपर नाउन नहीं है, तो जैसे स्लीपिंग है हमने स्मॉल रखा है, तो कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो यू मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मेनी थिंग्स, क्या क्या चीजें लानी है, आगे आइटम्स देखिएगा, लिस्ट आ रही है, स्लीपिंग बैग्स, पेंस, यूटेंसिल्स, वार्म क्लॉथिंग, तो आपको ये कॉलन यूज करेंगे क्योंकि आपने एक सीरीज इंट्रोड्यूस करवाई है। आई वांट द फॉलोइंग आइटम्स, बटर, शुगर एंड फ्लोर, तो ये भी एक सीरीज आई है तो कॉलन लिया जाएगा। तो एक एक्सेप्शन देखते हैं, अवॉइड यूजिंग अ कॉलन बिफोर अ लिस्ट व्हेन इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन, अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाए, मतलब वो सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट हो, वो लिस्ट पूरी एक सेपरेट लिस्ट के तौर पर फंक्शन ना कर रही हो, तो देन हम जो है वो कॉलन का इस्तेमाल नहीं करते, वो गलत कहलाएगा जी। तो आई वॉन्ट बटर शुगर, यहाँ कॉलन नहीं आना था। तो आई नो द टीचर्स ऑफ, देखो कौन से टीचर्स, ऑफ पीजीसी सुपीरियर एंड एस्पायर, तो ऑफ के बाद हमें उसका ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो यहां भी हमें किसी सूरत भी कॉलन रिक्वायर्ड नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर थ्री पे आते हैं। व्हेन लिस्टिंग आइटम्स वन बाय वन, मतलब जो आइटम्स है वो आप लिस्ट कर रहे हैं एक एक करके, इनपुट डेटा, राइट्स, रिपोर्ट्स, कंप्लीट फॉर्म्स, वन पर लाइन, मतलब एक लाइन में एक आप जो है वो आगे लिस्ट आइटम कर रहे हैं, जो फॉलोइंग कॉमा कॉमा के बाद हो, कैपिटलाइजेशन एंड एंडिंग पंक्चुएशन आर ऑप्शनल, मतलब ये जो कैपिटलाइजेशन है और एंड पे फुल स्टॉप वगैरह देना, ये फिर ऑप्शनल है, आप दे ना दे, स्पेशली जब ये यूजिंग अ सिंगल वर्ड और फ्रेजेस प्रीसीडेड बाय लेटर्स के, ये एक सिंगल वर्ड हो या फ्रेज हो, नंबर्स हो या बुलेट्स हो, इफ ईच पॉइंट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, अगर इसकी जगह एक पूरा जुमला होता, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड, तो पहला वर्ड लाजमी कैपिटलाइज करना था, और एंड द एंड सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट एंडिंग पंक्चुएशन, और फिर उसके एंड पर पंक्चुएशन मार्क को लाजमी आना था, मतलब अगर गुजार वो पूरा सेंटेंस है तो कोई फुल स्टॉप, कोई क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तीन सेंटेंस एंडर होते हैं, लाजम देने पड़ने थे, क्योंकि ये फ्रेजेस हैं, पूरी क्लॉज नहीं है, क्लॉज में तो सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, तो हमारे पास एंड पर
हमारे पास ऑप्शनल है हम फुल स्टॉप दें या ना दें। गौर करें यहां भी पूरी क्लॉज नहीं है, द फॉलोइंग आर रिक्वेस्टेड वूल स्वेटर्स आर फॉर पॉसिबल कोल्ड वेदर, तो गौर करें सब्जेक्ट वर्ब नहीं आया, तो ये भी एक तरह की फ्रेज है। तो हम फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल कर सकते हैं, एंड पर फुल स्टॉप दे भी सकते हैं, जैसे हमने यहां नहीं भी दिया नहीं भी दे सकते, ऑप्शनल है। हमने ये बताया आपके लिए कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, बस आपने क्या करना है कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपने एक पॉइंट में फुल स्टॉप दिया है तो सारे पॉइंट्स में फुल स्टॉप करें, एक का कैपिटलाइज किया है तो सब का कैपिटलाइज करें। लेकिन अगर वो एक कंप्लीट सेंटेंस है तो देन आपको फर्स्ट अल्फाबेट लाजमी कैपिटलाइज करना पड़ेगा, फर्स्ट अल्फाबेट का, फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट का, और एट द एंड कोई पंक्चुएशन लाजम देनी पड़ेगी। नंबर फोर पे आते हैं, अ कॉलन इंस्टेड ऑफ अ सेमी कॉलन मे बी यूज बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस व्हेन द सेकंड सेंटेंस एक्सप्लेन्स इलस्ट्रेट्स पैराफ्रेज और एक्सपेंड्स ऑन द फर्स्ट सेंटेंस। इसको क्लियर करता हूं जी, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ही गॉट व्हाट ही वर्क्ड फॉर, ही रियली अर्नड दैट प्रमोशन। अब गौर करें ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, अगर मैं चाहूं तो दोनों को लेदा लेदा करके भी लिख सकता हूं, ही गॉट व्हाट ही वर्क्ड फॉर कि जो इसके लिए उसने काम किया उसको मिल गया, ही रियली अर्नड दैट प्रमोशन। तो गौर करें सेकेंड जो क्लॉज है वो फर्स्ट क्लॉज को एक्सप्लेन कर रही है, तो जब सेकेंड सेंटेंस एक्सप्लेन्स इलस्ट्रेट्स या पैराफ्रेज और एक्सपेंड द फर्स्ट सेंटेंस, तो दरमियान में हमें सेमी कॉलन नहीं बल्कि क्या देना होता है जी, यस हमें फिर कॉलन पुट करना होता है। तो इफ व्हाट फॉलोज द कॉलन इज क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट प्रीसीड्स इट, अगर वो दोनों चीजें आपस में क्लोजली रिलेटेड हो तो देर इज नो नीड फॉर अ कैपिटल। तो अगर वो दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हो तो देन कैपिटल लेटर की जरूरत नहीं है अगली क्लॉज में। बट इफ व्हाट फॉलोज इज अ जर्नल और फॉर्मल स्टेटमेंट, तो जो अगली स्टेटमेंट है वो एक जनरल स्टेटमेंट है, फॉर्मल है, मतलब कि वो बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है, तो देन मेनी राइटर्स और एडिटर्स कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड, तो फिर वो कहते हैं जरा सेपरेट सेपरेट लग रहा है तो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल करना चाहिए। रिमेंबर द ओल्ड सेइंग बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, तो गौर करें लिंक्ड तो है, पिछली क्लॉज को थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर रही है कि कौन सी ओल्ड सेइंग जी, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, लेकिन फर्स्ट अल्फाबेट हम यहां कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। और एक तरह से आप देखें तो ये एक कोटेशन का काम कर रही है, और कोलन के बाद कोटेशन आए तो यूजुअली हमें इनवर्टेड कॉमास की जरूरत नहीं होती। नंबर फाइव पे आते हैं, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ कंप्लीट और फुल सेंटेंस कोटेशन दैट फॉलोज अ कोलन, अगर एक कोलन के बाद कोटेशन आ रही हो तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट हर सूरत कैपिटल होगा, ये तो एक सिंपल पॉइंट था जी। तो कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड आफ्टर अ कॉलन इफ द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग द कॉलन रिक्वायर्स टू और मोर कंप्लीट सेंटेंस, अगर कॉलन के बाद जो चीजें एक्सप्लेन कर रही हैं, जो क्लॉजेज हैं वो पिछली क्लॉज को एक्सप्लेन कर रही हैं, वो एक से ज्यादा हैं, तो हर एक का फर्स्ट अल्फाबेट क्या होगा जी, फिर कैपिटलाइज होगा। जैसे डैड गेव अस थ्री रूल्स टू लिव बाय, वर्क हार्ड, बी ऑनेस्ट, ऑलवेज शो अप ऑन टाइम। रूल नंबर सेवन पे आते हैं जी, If a quotation contains two or more sentences, अगर एक quotation में दो या ज्यादा जुमले हैं, many writers introduce it with a colon rather than a comma, तो then preferable है, writers भी ये prefer करते हैं कि आप comma के बजाय colon का use करें। comma का use किया जा सकता है लेकिन colon जो है वो preferable है, कब जी, जब जो अगली quotation आ रही है, जो आप direct speech कह लें या reported speech आ रही है, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद अगर वो दो या ज्यादा जुमलों पर मुश्तमिल है तो कॉमा के बजाय कॉलन ही प्रेफरेबल है। रूल नंबर एट पर आते हैं, फॉर एक्सटेंडेड कोटेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय अ कॉलन मेनी स्टाइल मैनुअल से टू इंडेंट 1/2 inch ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, अदर से टू इंडेंट ओनली वन और ओनली ऑन द लेफ्ट मार्जिन, कोटेशन मार्क्स आर नॉट एडवाइज्ड। क्या कहा जी, अगर एक एक्सटेंडेड कोटेशन जो है वो कॉलन ने इंट्रोड्यूस किया, एक्सटेंडेड कोटेशन से बात है कि आपके कॉलन के बाद एक अलहदा पैराग्राफ आ रहा है, एक अलहदा जुमला शुरू किया जा रहा है नेक्स्ट लाइन से, तो राइटर्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि दोनों साइड पर आप इंडेंटेशन दे दें, इंडेंटेशन में तो दोनों साइड पर थोड़ी सी जगह छोड़नी होती है, तो 1/2 inch ये जगह होती है जी आपने छोड़नी होती है, 1 से 1/2 inch, लेकिन ज्यादातर राइटर्स कहते हैं कि वो सिर्फ आप लेफ्ट साइड पर छोड़ दें और राइट साइड पर आप जो है वो ये मार्जिन के साथ जगह ना छोड़े, लेकिन बहुत सारे स्टाइलिस्ट जो होते हैं
वो दोनों सेट पर छोड़कर बिल्कुल सेंट्रलाइज कोटेशन लिखना चाह रहे होते हैं, जो कि उनके ख्याल में ज्यादा खूबसूरती की अलामत के तौर पर नजर आ रही होती है। रूल नंबर 9 पे आते हैं, यूज अ कॉलन रादर देन अ कॉमा टू फॉलो द सैल्यूटेशन इन अ बिजनेस लेटर इवन व्हेन एड्रेसिंग समवन बाय हिज और हर फर्स्ट नेम। जब एक बिजनेस लेटर लिखा जाता है, बिजनेस लेटर सारे बिजनेस में यूज किए जाते हैं, तो अगर आपको सैल्यूटेशन जो होता है, जो फर्स्ट ऊपर पुकारने के लिए उसको एड्रेस करने के लिए नेम यूज किया जाता है, तो देन हम उसके बाद कॉलर यूज करते हैं, डियर मिस नैना, डियर नोमान, डियर ब्रदर, तो बेशक उसका नाम भी हो, तो बेटर है कि आप उसको कॉलन से है वो आगाज करें। और अगर वो एक इनफॉर्मल लेटर है, वो एक इनफॉर्मल करेस्पॉन्डेंस है अपने डियर ब्रदर का, जैसे आप अक्सर स्टूडेंट्स अपने लेटर्स में लिखते हैं डियर ब्रदर, डियर फादर, तो डियर नुमान अगर एक फ्रेंड को लिखा जा रहा है तो आप उसके बाद कॉमा दे सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस लेटर है तो देन उसके बाद आप क्या देंगे, कॉलन दे रहे होंगे, जो आप सैल्यूटेशन दे रहे होंगे, जो आप किसी को एड्रेस कर रहे होंगे लेटर के स्टार्ट में। सेमी कॉलन पे आते हैं जी, सेमी कॉलन की सिंबल अगर आप देखें तो फुल स्टॉप के नीचे एक कॉमा की सिंबल के तौर पर आपको नजर आएगी। अ सेमी कॉलन इज अ पीरियड अटॉप अ कॉमा, मतलब कॉमा के ऊपर ये एक पीरियड, एक फुल स्टॉप होता है। तो इसको अगर हम देखें तो ये होता क्या है, लाइक कॉमा सेमी कॉलन इंडिकेट एन ऑडिबल पॉज, जैसे कॉमा एक पॉज देता है जो सुनाई दिया जा सकता है। मैंने आपको कॉमा के पॉज की मिसाल दी थी, सिट नॉट स्टैंड, सिट नॉट स्टैंड, तो जहां मैंने एक ऑडिबल पॉज दिया वहां कॉमा देना है, तो ये भी एक ऑडिबल पॉज ही होता है, लेकिन स्लाइटली लॉन्गर देना कॉमा बट शॉर्टर देना फुल स्टॉप। मैं कहता हूं तो ये दोनों का एवरेज है, क्योंकि कॉमा और फुल स्टॉप दोनों है, तो दोनों का एवरेज ले दी, कॉमा से बड़ा पॉज है और फुल स्टॉप से एक छोटा पॉज है। तो सेमी कॉलन्स हैव अदर फंक्शंस टू, बट फर्स्ट अ वार्निंग, एक थोड़ा सा एक आपको वार्न कर दें, अवॉइड द कॉमन मिस्टेक ऑफ यूजिंग अ सेमी कॉलन टू रिप्लेस द कॉलन। अक्सर किया जाता है कि कॉलन की जगह पर सेमी कॉलन बच्चे पुट कर जाते हैं, जो कि गलत है। आई हैव वन गोल टू फाइंड हर, तो गौर करें, आई हैव वन गोल और गोल क्या है, टू फाइंड हर। गौर कीजिएगा यहां गलती क्या की गई है, कि जो अगली क्लॉज है वो पिछली वाली को एक्सप्लेन कर रही है, तो जब अगली क्लॉज पिछली को एक्सप्लेन करती है तो कॉलन आना चाहिए, सेमी कॉलन नहीं आना चाहिए, ऐसी सूरत में सेमी कॉलन का जो इस्तेमाल है वो गलत होगा। नेक्स्ट आते हैं, अ सेमी कॉलन कैन रिप्लेस अ पीरियड, मतलब फुल स्टॉप को भी रिप्लेस कर सकता है, इफ द राइटर विशेस टू नैरो द गैप बिटवीन टू क्लोजली लिंक्ड सेंटेंसेस। अगर वो चाहता है कि दो क्लोजली लिंक्ड सेंटेंसेस जो है उसके दरमियान का गैप वो रिमूव करना चाहता है, तो लाजमी तौर पर आप क्या कर सकते हैं, तो वो सेमी कॉलन से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कॉल मी टुमारो, यू कैन गिव मी एन आंसर देन। गौर करें, हम फुल स्टॉप की जगह पर एक पीरियड की जगह पर मैंने कॉलन लगा दिया। वी हैव पेड आवर ड्यूज, वी एक्सपेक्ट ऑल द प्रिविलेजेस लिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। गौर करें, हमने यहाँ सेमी कॉलन लगाया। अब यहाँ एक बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, सर गौर करें, यहाँ वो कह सकते हैं सर यहाँ भी तो कॉलन आ सकता है, क्यों आ सकता है, कॉल मी टुमारो, यू कैन गिव मी एन आंसर देन, तो सर ये दो क्लॉज, दो क्लॉज के आपने कॉलन भी लगाया। यस हमने लगाया, लेकिन उस सूरत में अगली क्लॉज जो है वो पिछली क्लॉज को एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। कॉल मी टुमारो, मुझे कल कॉल करना, यू कैन गिव मी एन आंसर देन, फिर आप मुझे उसका जवाब दे देना। किसका जवाब देना, कौन सा जवाब देना, एक्सप्लेन ही नहीं हो पाया प्रॉपरली। दूसरी देखे, यू हैव पेड आवर ड्यूज, आपने हमारे ड्यूज अदा कर दिए। वी एक्सपेक्ट ऑल द प्रिविलेजेस लिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, और जितने भी वो कह रहा है कि हमारे शरायत और जो आपको हकूक मिले हुए लिस्ट में, हम उनकी आपसे तवक्को करते हैं। तो गौर करें, वो ड्यूज का पे होना अगली क्लॉज के साथ प्रॉपरली लिंक ही नहीं कर रहा, तो यहां बेटर है कि यहां तो आप फुल स्टॉप लगा दें, और फुल स्टॉप नहीं लगाना आपको लग रहा है कि गैप कम करना चाहिए, तो फुल सेमी कॉलन लगा दें, लेकिन अगली क्लॉज किसी भी सूरत पिछली क्लॉज को एक्सप्लेन करती नजर नहीं आ रही। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, अवॉइड अ सेमी कॉलन व्हेन एन When a dependent clause comes before an independent clause। गौर करें, ये जो सेमी कॉलन या कॉलन की बात हो रही है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी। इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने पहले भी कहा, जो दोनों अलग अलग जुमले के तौर पर आ सकती हैं, अपने पांव पे अलग खड़ी हो सकती हैं, लेकिन डिपेंडेंट क्या होती है, गौर करें, ऑल्दो दे ट्राइड, देखिए क्लॉज तो है, क्लॉज क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब मौजूद है, दे सब्जेक्ट, ट्राइड वर्ब,
लेकिन ऑल दो दे ट्राइड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के तौर पर खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि ये मीनिंग पूरा नहीं करती। देखिए ऑल दो दे ट्राइड, क्या मैं फुल स्टॉप दे सकता हूं? नहीं दे सकता, इसका मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज तो नहीं है। तो मैं चूंकि फुल स्टॉप नहीं दे सकता, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो दैट इज वाई अगली क्लॉज जो है दे फेल्ड, और इस डिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान में सेमी कॉलन या कॉलन भी नहीं आएगा, बल्कि क्या देना पड़ेगा, यस कॉमा देना पड़ेगा। यहां मैं इवन फुल स्टॉप भी नहीं दे सकता, ऑल दो दे ट्राइड, अगर मैं फुल स्टॉप देने की कोशिश करता हूं तो वो भी गलत है, ऑल दो दे ट्राइड दे फेल्ड। नेक्स्ट आते हैं जी, यूज अ सेमी कॉलन बिफोर सच वर्ड्स एंड टर्म्स एज नेमली दैट इज आई ई जी फॉर इंस्टेंस। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि इनको अगर जुमले के मिड में आ जाते हैं तो हम कॉमर्स लगाकर सेपरेट करते हैं, अब आप कह रहे हैं कि ये सेमी कॉलन्स लगाएं, लेकिन इसकी शर्त है व्हेन दे इंट्रोड्यूस अ कंप्लीट क्लॉज और सेंटेंस। मतलब यहां मेरा कहने का क्या है कि जब ये मिड सेंटेंस आए, ठीक है आगे मिड सेंटेंस, लेकिन मिड सेंटेंस आने के बाद अगर ये एक पूरी क्लॉज या सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवा रही, मतलब इनकी दूसरी साइड पर भी पीछे भी एक सेंटेंस हो और आगे भी एक पूरा सेंटेंस हो, तो इनसे पहले सेमी कॉलन आता है और इनके बाद में कॉमा आता है। वहां क्या था कि गौर करें, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे ये वर्ड है हमारा नेमली, तो अगर इसकी दोनों साइड पर क्लॉज आ जाए, क्या आ जाए जी, क्लॉज आ जाए, मतलब पीछे भी क्लॉज हो, क्लॉज आपको याद रखिएगा सब्जेक्ट वर्ब को कहते हैं, तो पहले सेमी कॉलन लगाएंगे और बाद में कॉमा लगाएंगे। लेकिन अगर इनके बाद क्लॉज ना हो, ये एक ही क्लॉज के अंदर आ रहे हो और आगे जो वर्ड हो वो क्लॉज ना, बल्कि एक सिंपल सी फ्रेज सी हो, कोई ना कोई कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्जिस्ट ना करता हो, तो फिर इसकी दोनों साइड पर क्या आएगा जी, इसकी दोनों साइड पर सिर्फ और सिर्फ कॉमा आएगा, फिर सेमी कॉलन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो गौर करें, यहां हमने पहले सेमी कॉलन बाद में कॉलन लगाया, अगर ब्रिंग मी टू आइटम्स एक क्लॉज है, ब्रिंग एनी टू आइटम्स ये पूरी क्लॉज है, इसको मैं एक सेंटेंस के तौर पर लिख सकता हूं, स्लीपिंग बैग्स एंड टेंट्स आर इन शॉर्ट सप्लाई, स्लीपिंग बैग्स एंड टेंट्स आर इन शॉर्ट सप्लाई, ये अगली अलहदा क्लॉज है, तो दो क्लॉजेस के बीच है, तो पहले सेमी कॉलन और बाद में कॉमा आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 पे आते हैं जी, टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस व्हेन कॉमास अलोन कांट क्लियर द मीनिंग्स। मतलब कि अगर एक जुमले के जो पार्ट्स हैं, जो आगे उसकी यूं भी कहने की एक लिस्ट पूरी आ रही है, अगर वो अकेली मीनिंग क्लियर नहीं कर पा रहा है या कोई एम्बिगिटी क्लियर कर रहे हैं, जैसे आप देखें आई हैव मैनी फ्रेंड्स, माहीन, माई वाइफ, असलम एन इंजीनियर, यूनस अ टीचर, सुरेज अ जर्नलिस्ट एंड वानी अ साइंटिस्ट। यहां मसला क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि मैंने इनको इक्वल वेटेज दे दी, माहीन के बाद कॉमा, वाइफ के बाद कॉमा, आपको नजर आ रहा है असलम के बाद कॉमा, इंजीनियर के बाद कॉमा, यूनस के बाद कॉमा, टीचर के बाद कॉमा, जुरेज कॉमा, जर्नलिस्ट कॉमा, वानी भी कॉमा। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं इसको काउंटिंग करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फ्रेंड्स आई हैव, सो लकी। लेकिन मुझे पता है कि ये सेट असल में 10 फ्रेंड्स का नहीं है, ये 5 फ्रेंड्स का है, क्योंकि ये माहीन माई वाइफ एक सेट है, असलम एन इंजीनियर एक है, यूनस अ टीचर एक सेट है, जुरेज अ जर्नलिस्ट एक सेट है, वानी अ साइंटिस्ट एक सेट है। तो इसका मतलब मेरा आपको नजर आ रहा है कि माहीन कॉमा माई वाइफ कॉमा नहीं आ सकता, हमें इस सेट पर कॉमा से बड़ा पॉज चाहिए जो कि क्लियर कर दे कि ये एक सेट रह गया है। तो यहाँ कॉमा से बड़ा पॉज हमने क्या सीखा था, यस सेमी कॉलन। तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स, माहीन माई वाइफ, सेमी कॉलन आया, एक बड़ा पॉज आ चुका है जी। तो हमारा यहाँ एक सेट खत्म हो गया, असलम एन इंजीनियर दूसरा, यूनस अ टीचर तीसरा, जुरेज अ जर्नलिस्ट चौथा, एंड वानी अ साइंटिस्ट पांचवा सेट खत्म हुआ। तो ये जो सेट्स हैं इनके दरमियान हम जब सेमी कॉलन लगा देते हैं तो इससे क्या होता है कि वो एक बड़ा पॉज आ जाता है, एक समझ एक बड़ी दीवार बन जाती है, जो कि क्या बता रही है कि जी माहीन मेरी वाइफ है, असलम एक इंजीनियर है, यूनस एक टीचर है, जुरेज एक जर्नलिस्ट है और वानी एक साइंटिस्ट है। रूल 4 पे आते हैं जी,
अ सेमीकोलन मे बी यूज बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइंड बाय अ कनेक्टर सच एज एंड बट और नॉर जिसका मैंने आपको बताया था वो फाइन बॉय सारे ऐड कर लें व्हेन वन और मोर कॉमास अपीयर इन द फर्स्ट क्लॉज जब गौर करें मैं कहना क्या चाह रहा हूं अगर जो एंड है या फैन बॉयज है जब ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते तो हम इनसे पहले आपने पढ़ा था कॉमा लगाते होते हैं जब ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते लेकिन अगर जो उससे पहली क्लॉज आ रही है उसमें पहले से कॉमास एग्जिस्ट करते हो तो फिर हम इस फैन बॉय से पहले क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स यस कॉमा नहीं आएगा सेमीकोलन आएगा जाहिर है उससे एक स्टेप आगे चले जाएंगे क्योंकि कॉमा से पहले भी आ रहे हैं फैन बॉयज को हम एक सेमीकोलन की स्टेप पर ले जाएंगे रूल फाइव पे आते हैं डू नॉट कैपिटलाइज ऑर्डिनरी वर्ड्स आफ्टर अ सेमीकोलन सेमीकोलन के बाद जो ऑर्डिनरी वर्ड्स हैं हम प्रॉपर नाउन्स आए तो आप कैपिटलाइज करें लेकिन ऑर्डिनरी वर्ड्स नहीं आएंगे आई एम हेयर यू आर ओवर देयर तो आई एम हेयर कॉलन सेमीकोलन आया यू आर ओवर देयर तो गौर करें हमें यहां सेमीकोलन ही रिक्वायर्ड था और उसके बाद अगला वर्ड जो है उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल भी नहीं आ सकता अच्छा एक और चीज दोबारा एक्सप्लेन करूं कि ये सेमीकोलन ही क्यों रिक्वायर्ड था कॉलन क्यों नहीं आया जी ये भी तो दो क्लॉजेस थी ये बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन की मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने दें कि आई एम हियर मैं यहां हूं यू आर ओवर देयर आप वहां हो तो क्या यू आर ओवर देयर पिछली क्लॉज को एक्सप्लेन कर रहा है उसको रिप्लेस कर रहा है उसको किसी भी तरीके से नरेट करने की कोशिश कर रहा है नहीं यू आर ओवर देयर किसी भी सूरत आई एम हियर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा उसको मैं मजीद उसको रिफ्रेज नहीं कर पा रहा तो दैट इज वाई ये दो आपस में क्लोज कर दिए गैप कम कर दिया है दोनों को आपस में लिंक कर दिया है हम यहां लगाने को तो फुल स्टॉप भी लगा सकते थे लेकिन हमने चलो गैप कम करने को सेमी कॉलन लगा दिया लेकिन कॉलन की गुंजाइश आपको अब समझ आ गया होगा कि बिल्कुल भी निकलती नहीं है तो लो जी सेमी कॉलन कॉलन दोनों की हमने लड़ाई कराई दो काफी कुछ समझ आया होगा हाइफन पे आते हैं हाइफन एक बिल्कुल छोटी सी एक लाइन होती है एक डैश लाइक लेकिन बहुत छोटी हाइफन इज यूज फॉर ज्वाइनिंग पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड तो एक कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं लाइक डैश इट इज फॉर्म्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन बट द लाइन इन केस ऑफ हाइफन इज मच शॉर्टर देन द केस ऑफ अ डैश डैश तो थोड़ी सी लेंथी होती है अपने साइज में लेकिन हाइफन काफी छोटी होती है और ये जुमलों को नहीं मिलाती ये वर्ड्स के पार्ट्स को मिलाकर एक कंपाउंड वर्ड बनाती है मतलब दो तीन वर्ड्स को मिलाकर हम एक नया वर्ड बना लेते हैं तो उनके दरमियान हम हाइफन देते हैं हाइफन के कुछ और यूसेज भी हैं पढ़ते हैं जी रूल वन आपको नजर आ रहा है कि ये नए कंपाउंड वर्ड्स बना रही है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स अ वेल बिल्ट हाउस 17th सेंचुरी राइटर फॉरगेट मी नॉट हमने मिलकर एक फ्रेज बना ली फादर इन लॉ लुकिंग ग्लास बाथिंग प्लेस सेल्फ विल्ड और काइंड हार्टेड वेल नोन रूल नंबर टू पे आते समटाइम्स हाइफन इज यूज टू सेपरेट वर्ड्स विच रिक्वायर्ड टू बी प्रोनाउंस सेपरेटली हम सिर्फ वर्ड की प्रोनाउंसिएशन की खातर ताकि उसकी प्रोनाउंसिएशन वाजे हो जाए हम वर्ड्स के दरमियान में जहां प्रोनाउंसिएशन हम क्लियर करना चाह रहे होते हैं एम्फसिस दिखाना चाह रहे होते हैं हाइफन यूज करते हैं कोऑपरेट वरना तो ये कूपरेट बन सकता था तो हमें पता है को लैदा है ऑपरेट लैदा है कोऑपरेट बेल लाइक वरना बेल लाइक हो जाना था अगर मैं डैश ना देता एंटी न्यूक्लियर वर्ड देखें पोस्ट कॉलोनियल ग्रेट ग्रैंड मदर सन इन लॉ तो गौर करें ये कंपाउंड नाउन भी बना रहा है एक तरह से या कंपाउंड वर्ड भी क्रिएट कर रहा है और साथ थोड़ा सा अगर हम देखें तो बेल लाइक जैसे कोऑपरेट जैसे वर्ड में हमें बेसिकली प्रॉपर नजर आ रहा है ताकि प्रोनंसिएशन जो है वो सेपरेटली की जा सके दोनों पार्ट्स की यूज अ हाइफन विद कंपाउंड नंबर्स फ्रॉम 21 टू 99 तो जो कंपाउंड नंबर्स होते हैं 51 अकेला 50 नहीं 51 52 53 54 89 32 ये कुछ एग्जांपल दिए 65 तो कहां से कहां तक 21 टू 99 तक जो कंपाउंड नंबर्स बन रहे होते हैं उनको हम हाइफन देते हैं जी तो इन राइटिंग fractions, fractions जो कि जहर एक पार्ट होता है किसी भी नंबर का प्लेस a hyphen between the numerator and denominator, except if there is already a hyphen in either the numerator or denominator. Numerator और जो denominator होता है जैसे मैं 2/5 कह रहा हूँ तो 2/5 आपको पता है 2/5 के लिए हम यूज करते हैं तो 2/5
जब मैं उसको एक लिख रहा हूँ वर्ड की फॉर्म में, तो मैं दरमियान में हाइफन दूंगा, 1/3, 10th, 9/100, 69 और आपको नजर आ रहा है 89th. अच्छा, आपने गौर किया मैंने 69 में नहीं लगाया, क्योंकि ये एक तरह का जो है वो प्योरली एक नंबर आ रहा है, ये मैंने सिर्फ इस क्लियर करने को इधर लिखा है. लेकिन गौर करें, मैंने यहां जब मैंने 2/5 लिखा है, जब मैंने 3/10 लिखा है, जब मैंने 89th लिखा है, जब 900th लिखा है, तो मैंने इन सब का जो दूसरा पार्ट है वो प्लूरल किया है. आप इसको जरा गौर तो करें, आपको ग्रामर के एक और आइटम सिखाता जा रहा हूं साथ. लेकिन इन दोनों मैंने किया, जरा यहां तो नहीं हो सकता, 1/3 ये होता है, तो 1 के साथ जो भी वर्ड आएगा वो उसका वो कैपिटलाइज वो प्लूरल नहीं होगा. 1 बॉय हो सकता है, 1 बुक हो सकता है, लेकिन 2 बुक्स होती हैं. तो गौर करें, 2 बुक्स 2/5, 3 बुक्स 3/10. तो प्लूरल नंबर के साथ जो वर्ड्स आ रहे होते हैं वो प्लूरल ही आ रहे होते हैं, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर आ रहे होते हैं. लेकिन ये वाला जो है, गौर करें, ये फ्रैक्शन नहीं है, तो प्योर नंबर है. तो 60 जो है वो 9th होता, 60 100th होता, तो मैं इसको 100th करता, लेकिन ये तो फ्रैक्शन नहीं बन रही, तो प्योर नंबर बन रहा है. तो दैट इज वाई मैं 9 का जो है इसको 69th नहीं कहूंगा, इसको मैं प्लूरल की तरफ इसकी कन्वर्जन लेकर नहीं जा रहा. रूल नंबर 5 पे आते हैं जी. यूज अ हाइफन व्हेन अ नंबर फॉर्म्स पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिवल कंपाउंड. जब एक नंबर जो है वो एक एडजेक्टिवल कंपाउंड का पार्ट बने, मतलब वो एक कंपाउंड बना रहा और साथ एक एडजेक्टिव का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा हो, तो देन उस सूरत में, उस एडजेक्टिवल कंपाउंड की सूरत में, उस नंबर को हम लाजमी हाइफन लगाकर सेपरेट करते हैं. एग्जाम्पल से क्लियर होगा जी. फ्रांस हैज अ 35 आवर वर्किंग वीक. गौर करें, वर्किंग वीक यहां नाउन है, 35 आवर उसका एडजेक्टिव है, और गौर करें 35 आवर, ये दो वर्ड्स मिलकर एक एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव बना है. तो हम चूंकि इसमें एक नाउन की एग्जिस्टेंस है, तो हम इसको हाइफन लगाकर सेपरेट करेंगे. ही वॉन द 100 मीटर स्प्रिंट. स्प्रिंट नाउन है, 100 मीटर कंपाउंड एडजेक्टिव था, वो स्प्रिंट की खूबी है ना, 100 मीटर. कौन सा स्प्रिंट जी? 100 मीटर स्प्रिंट, तो एडजेक्टिव है, तो 100 को हाइफन लगाकर सेपरेट किया. चार्ल्स डिकेंस वाज अ ग्रेट 19th सेंचुरी नॉवलिस्ट. नॉवलिस्ट नाउन है. कौन सा नॉवलिस्ट है जी? 19th सेंचुरी, तो ये उसका एडजेक्टिव हुआ, और चूंकि इसमें एक नंबर आ गया है, तो दैट इज वाई हम इसको हाइफन लगाकर सेपरेट कर देंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज पंक्चुएशन रूल्स पार्ट 1 वीडियो टिल हाइफन. And for the remaining video of punctuation rules part 2, please click on the link provided. Practice questions का link भी student जो है वो provided है, आपको नीचे links में नजर आ जाएगा, तो आपने वो link click करके आप अपने download कर सकते हैं practice questions भी, और part 2 जो है इस punctuation rules का वो भी video आप जो है provided link पर click करके देख सकते हैं.